नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मोतिहारी रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर मंगलवार को बिहार के मोतिहारी जिले के छात्र सैकड़ों की संख्या में एकाएक मोतिहारी स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंची डीएमयू ट्रेन को रोककर जमकर प्रदर्शन व हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों ने करीब डेढ़ घंटे तक इस ट्रेन को रोक रखा। आंदोलनकारी छात्रों का साफ आरोप था कि रेलवे की परीक्षा में धांधली हुई है व जानबूझकर सैकड़ों मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों के इस आंदोलन से एक और जहां रेल पुलिस व जिला पुलिस के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, वहीं आंदोलनकारी छात्रों का आक्रोश देखने लायक था। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एक तरह से ट्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था व रेलवे गुमटी को भी जाम कर दिया था। जाम की सूचना पर जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल व कई थानों की पुलिस को रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिया था। कई बार पुलिस व छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में सदर एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए आंदोलनकारी छात्रों को समझा बुझाकर मनाया और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद छात्रों का यह आंदोलन समाप्त हुआ। प्रदर्शन के कारण पूरे स्टेशन परिसर व आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था व शहर की कई सड़कें जाम हो गई थी। इससे पहले सोमवार को भी रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पटना रेलवे स्टेशन पर धावा बोला था। नतीजे सामने आने के बाद नाराज छात्रों ने घंटे ट्रेनों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। घंटे मशक्कत के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर छात्रों के हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। धन्यवाद, बढ़िए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क मोतिहारी सिटी संवाददाता नीतीश वर्मा की रिपोर्ट।